आ जाने दो भाई, आ जाने दो, बैगनी को दे दो, पंडित जी को दे दो, हाँ दे दो, हमारे लो आ जाएगा, आप लेके आ जाओ बहन, लेके आ जाओ भैया, आ जाने देना, दे देना भैया सिक्योरिटी जो भी हो। इसके बाद दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की, थोड़े जल्दी भेजो ताकि ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए, ज्यादा लोगों का भला हो जाए। आओ बहन बैठो, बहन कहां से हो? बाड़मेर। अच्छा ये तो मंच पे भी आई थी। अच्छा बहन माइक ले लो बहन। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की, भगवान रूपी भैया धीरेन्द्र शास्त्री के, हनुमान जी के मंदिर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं हर जगह चली जाती हूँ। कोई कहता है कि तू हर जगह चली जाती, मैं यही बोलती हूँ सबको, हनुमान जी एक ही है, इसलिए मैं सालासर भी जाके आई हूँ, मैं हर जगह हनुमान जी के मंदिर देखती हूँ, चली जाती हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है जब मेरे मायका है, इसीलिए मैं ना अभी आपके अगर आपके अर्जी आपकी आप स्वीकार करें तो मैं आपके हाथ में राखी बांधना चाहती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ ना मेरे को यही, हम बाड़मेर गए थे तुम वहाँ भी हमें दिख रही थी। हाँ वो झंडा लेके उसको वो मेरे नन्द है उसको भी बोला वो आपके लिए सामान लेके। नहीं नहीं हम उनको बाद में, पहले हम तुम्हारी अर्जी लगा दें, कुछ लोगों का भला रुक जाएगा। वो मेरी धर्म ननद है, बाद में उसके बाद में बाद में, पहले हम आपकी अर्जी लगा के और लोगों की अर्जी लगा दें ताकि सबका भला हो जाए। मेरे को बीच में रोक दिया था, बहुत बड़ा दुख हुआ। ठीक है पूछो क्या समाधान चाहती हैं आप? मैं मेरे है ना दो मायका और ससुराल वाले दोनों परिवार को घर में सुख शांति प्रेम खुशियां देखना चाहती हूँ। जो भी दुख दरिद्र हो भगवान को सब पता है, मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी, आधा बोलूंगी आधा रह जाएगा, लेकिन भगवान को सब पता है, पूरा ठीक कर दे, बालाजी के चरणों में ही है मेरा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में, मेरा निश्चय एक ही है, एक बार तुझे मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, मेरे अवगण दो समर्पित भगवान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मुझे कुछ नहीं पता मैं कहां जाऊं कहां क्या करूं, कुछ मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मेरे को ठीक कराए, जहाँ मेरे बच्चे गलत हो, मेरे घर वाले सब कोई गलत हो तो उनको ठीक कराए, और सबको घर में सुख शांति, सब पूरी जो भी बालाजी का भक्त है उनको सबकी मनोकामना पूरी कराए, सबके घर में सुख शांति प्रेम खुशियां दें, और भगवान सबको सदबुद्धि दें, मेरी यही प्रार्थना है, जिंदगी भर मैं भगवान आपकी पूजा करती रहूं, ये पूजा आपने दी है मेरे को, इसको और दिनों दिन बढ़ाते रहे भगवान, आप पार लगा देना मेरा, ये बहुसुखी मनुष्य रूपी जिंदगी मिली है मेरे को, इसमें पार लगा देना, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं माला जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, और भगवान के चरणों में राम कहो श्याम कहो घनश्याम कहो हनुमान कहो सब एक ही है, मैं तो इनको सबको एक ही मानती हूँ, भले सीताराम कहो भले जगदम्बे माँ कहो तनोर माँ कहो सब एक ही माता मानती हूँ सबको, और भगवान को एक भी मानती हूँ। जय सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे श्याम की, सालासर बालाजी की, तिरुपति बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबके अवगुण दो समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे कुछ नहीं आता है भगवान, क्या करना है सब आपको ही करना है। एक भैया नया मंच लगवाओ प्रवचन के लिए। बहुत 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 खुशी हुई भगवान आपसे मिलकर, बहुत बहुत दिनों से मैं इसके पापा है ना रिफाइनरी, कहाँ हैं इनके पापा, के साथ में आई हूँ बाड़मेर से, मेरे को बहुत खुशी हुई, मैंने कहा हनुमान जी कथा मेरे को जाना है। आप बाड़मेर में ही रहती हैं? नहीं मैंने पापा से भी नहीं पूछा, मैंने कहा मेरे को पता है, पापा से पूछूं पापा मना कर देंगे, पापा को बोला मेरा भैया कैसा है आपको पता है, लेकिन है ना पापा ने हाँ नहीं बोला, मैंने कहा मैं जाऊंगी पापा जी से पूछूंगी क्या प्रॉब्लम है, भगवान ने मेरे को भैया था क्यों दिया, इसमें क्या गलती हो गया मानी बताओ मुझे, मेरा भाई बहुत विकलांग है आपको पता है भगवान, आपसे कोई बात राखी ले आई तुम? हाँ मैं लेके आई हूँ,
मेरे को बात आने ना आते, जान हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं पियर आ गई हूँ। मैं मेरे घर वाले पूछ रहे हैं तेरे को कैसे यार, तू बच्चों अकेली गई है। मैंने कहा मेरे कोई या कमी नहीं है, भगवान की दया से सब। कल सुबह तो इतने बंदर आए, बस करो बस करो बस करो बस करो बस करो। अब जो माइक हमें दे दो, हम बोले इससे हेलो। तुम्हें भाई के बारे में क्या पूछना है? कहाँ है तुम्हारा भाई? अच्छा सुनो, चार बातें हैं तुम्हारी। परिवार के लोग तुम्हें पागल कहते हैं, अब वो कोई कहने वाली बात नहीं है, 100% है, क्योंकि हमारी बहना हो, ठीक है, बहुत प्यारी बहना हो, मजाक नहीं कर रहे, बस ये माइक ले लो, ज्यादा बोलियो ना माइक से, हैं? हाँ ना भर बोलियो बस। परिवार के लोग लांछन आरोप लगाते, बहुत ज्यादा परेशान करते, कोई भी काम नहीं होता है, बच्चे तुम्हारे नाम रोशन करेंगे, भाई को पैर व शरीर में शून्यपन है, चलने में दिक्कत है, विकलांगता बनी हुई है, 60% आराम मंत्र चिकित्सा के बल पर आपके भाई को हो जाएगी, जाओ आशीर्वाद है। आपका आप कर सकती हूँ, ये बातें एकदम सही सही एकदम। अब कुछ बोलना नहीं है तुम्हें, अब तुम्हें कुछ माइक दे दो हमें। अच्छा तुम ब्लेड क्यों लाई थी? नहीं, टीका लगाने के लिए ब्लेड क्यों लाई तुम? तो ब्लेड से टीका राजस्थान में होता है क्या? हाँ ठीक है, अब हमारी बहन सुनो, हमारी सुनो बहन, भक्ति बहुत जरूरी है, पर इतनी भक्ति नहीं अपन को करनी है कि दुनिया वाले हंसें, आपको बहुत गंभीरता पूर्वक भक्ति करनी है। आप हमारी बहन हो, सदा रहोगी, आपकी बाधाओं को हम समझ सकते हैं, दुनिया वाले क्या कहते हैं हम उस चक्कर में नहीं, पर हम आपको ये कहेंगे आज से तुम्हें कम बोलना है, ठीक। और आपके ससुर साहब के लिए भी हमने अर्जी लगा दी, उनके दोनों पैरों में दिक्कत है, चलने में भी समस्या है, उनको भी आराम लगेगा, भक्ति तुम्हारी तेज बढ़ेगी, नाम रोशन करोगी, भाई को मंत्र चिकित्सा से लाभ होगा, दोनों बच्चे नाम रोशन करेंगे, घर का उपद्रव दूर होगा, ससुर के घुटने ठीक हो जाएंगे, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, आप नाम जप करो, आगे किसी भी पब्लिक कार्यक्रम में जाने के लिए ब्लेड लेकर के नहीं आया करो, क्योंकि उससे गलत लोग इफेक्ट समझेंगे, कोई मारपीट कर देगा, गड़बड़ कर देगा, इसलिए आगे से किसी भी प्रकार से ब्लेड या इस प्रकार का धारदार हथियार नहीं लाना है। और बालाजी के प्रति पागल हो, हमारे प्रति पागल हो, हमसे ज्यादा आप अपने माता पिता के लिए पागल हो, ये हमारी आज्ञा है, ठीक है बहन? ये आपका अर्जी कार्ड, तुम इधर आओ बच्चे, मेरो प्यारो दामाद है, अभी दामाद लाला कहाँ है? ये तो भांजो है ना, वो कहाँ है साहब? ए? अच्छा, उनको बहुत उपद्रव करते थे ना, ठीक, भांजे लाला खुश रहो सदा, उनको भी एक बार लेकर आना, लेकिन आज से तुम्हें सुधरना है, ठीक है, और आज से ये ब्लेड रेड लेके नहीं घूमना है, नहीं सॉरी तो ठीक है, कान पकड़ने से नहीं, अभी सेवादार सिक्योरिटी वाले अभी तुम्हें उठा ले जाते ना, ठीक है, आशीर्वाद। चलो और एक और प्रार्थना, भारत में या राजस्थान के अन्य जो भी लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि आपकी भक्ति कमजोर है, लेकिन हमारे जैसे पापी जीव को पाने के लिए आपको किसी भी प्रकार से ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे हमारी बेइज्जती या लोग हमें गाली बकें, ये हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप हमारे प्रिय हो पर ऐसी कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि अभी पिछली कथा में भी इंदौर में एक माताजी ने नस काट ली थी,
उसके बाद हमको बहुत हृदय में कष्ट पहुंचा है। आज इन बहन जी के पास में भी सिक्योरिटी वालों ने ब्लेड पकड़ी है, तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस प्रकार का कृत्य किसी को भी नहीं करना है। हम आपके अपने हैं, हम कोई पराये नहीं है, ना तो हम कोई ऐसे हैं, लेकिन आप ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें नीचा देखना पड़े। आप कुछ करोगी तो घर वाले आपके हमें गाली बकेंगे, और तुम अगर हमें चाहते हो तो हमें गाली मत बकवाना। इसलिए आपका प्रेम आपकी भक्ति हमें स्वीकार है, पर ऐसा मत करना। वो ब्लेड भैया पुलिस को जमा कर दो, कहाँ है? हाँ, आए नजदीक। कहाँ से हैं? माइक लो पहले। सांचौर के पास सरनाऊ। सांचौर के पास सरनाऊ। पहली बार आए हो? पहली बार। किसी को अपना विषय, परेशानी या नाम तो नहीं बताया? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं नहीं। नजदीक आई, यहाँ आओ। हिंदी पढ़ लेते हो? जी। ठीक, जहाँ ना समझ में आए टोकना है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सहज बात है। क्या समाधान आप हनुमान जी से चाहते? बच्ची की समस्या है 15 साल से। अच्छा, क्या हो गया है उसके चलने फिरने में? खड़ी। क्या नाम है उसका? दीप्ति। पढ़िए। चश्मा तो नहीं लगाते? चश्मा लगता है। ये क्या लगा है? चश्मा कहाँ है तुम्हारा? वहाँ ले लिया। भैया इनका चश्मा दीजिए, नहीं तो बाद में कहेंगे हम पढ़ नहीं पाए। ये लीजिए। शून्यपन है, चल नहीं पाती। क्या लिखा है? शून्यपन है, चल नहीं पाती। शिथिलता कमर के नीचे है, नस की दिक्कत बनी हुई है। आपकी बेटी है, नाम दीप्ति है, आराम लगेगा। 60% मंत्र चिकित्सा से लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम सीताराम। बराबर बराबर है। ये मंत्र है, मंत्र का जाप करना है, धाम की पेशी करनी है। ये आपका पर्चा स्क्रीन पर भी जा रहा, मंत्र भी दिखा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। धाम पर आप पेशी करो, अभी हम झाड़ा लगा देंगे, आप नियम शुरू करो, बालाजी कृपा करेंगे। हमारे अक्षर यहां वहां हो सकते हैं, लेकिन जो लिखा जाएगा वो कटने वाला नहीं है। जय सियाराम। ये पर कोई संदेह, आप वहां पहुंचो, अर्जी लगा लें, सो हम झाड़ा लगा दे भी। कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। नस की दिक्कत हो गई है, S1 कूल्हे की नस में समस्या हो गई, ज्वाइंट में L5 L3 में दिक्कत हो गई, डॉक्टरों ने लाइलाज बताया है, धीरे धीरे नस सिकुड़ गई है, 2007 से दिक्कत प्रारंभ हुई है ज्यादा। बालाजी कृपा करेंगे, लाभ होगा, जाओ, आशीर्वाद है। जय श्री राम। कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। चलिए अगला नंबर।